भारत के हाथों शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले क्रिकेट फैन मोमिन साकिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत पर ऐसे खुश हुए कि आंखों से आंसू छलक पड़े। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने मोमिन साकिब से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो फैन मौजूद हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ शिकस्त पर जो है वो बड़े बहुत ज्यादा ये रोए भी, बहुत ज्यादा सुरता हुए, बल्कि अपना टेलीफोन बेचकर जो है वो टिकट खरीद बैठे थे, उसके बाद बहुत पछताए भी। अब इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान ने जूबी फिका को बड़े जबरदस्त मुकाबले के बाद लॉर्ड्स में हराया, इनकी क्या फीलिंग्स हैं? जी भाई, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अपनी टीम को, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूंगा। इनको अब एक बशारत देना चाहूंगा कि इंशाल्लाह अपने सूट वगैरह सिलवा लो, गुलाब जामुन वगैरह खरीदो, अगले 3 मैच जीतो। हमारी जीत को हमारा शोर मचाने दो, हमारी मेरी बात सुन लो। इस टीम ने जो अब डायरेक्शन पकड़ लिया है, इनको जौन सी मर्जी गेम खिलवा दो, टेबल टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन, ये जीतेंगे। भावे टीम हो न्यूजीलैंड दी ना अमेरिका दी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, उनको हरा नहीं सकता। लॉर्ड्स की क्रिकेट ग्राउंड के बाहर शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की जूबी का अफ्रीका के खिलाफ जो है वो जीत पर बहुत ज्यादा खुश हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के हर तरफ नारे लगा रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात है पाकिस्तान को। जी, हमारे जज्बात इस वक्त पूरे फुल ब्लूम पे है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी टीम ने हम सबको बहुत इज्जत दी है, बहुत खुश है और उनसे बहुत खुश है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारी इज्जत रखी है। माशाल्लाह, जबरदस्त खेला लोगों ने, इस तरह खेले तो पूरा टूर्नामेंट जो है जी सकते हैं। बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि इन्होंने खेला है, तो हम लोग बहुत खुश हैं इस बात पे, बहुत खुशी हुई हम लोग। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। देखे हम यहाँ पर हैं, शादीशुदा लोग हैं, बीवी बच्चों को धो के आए थे, बहुत अच्छा लगा, बच्चे को सुला के सब करके आए, तो अब बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जीता है। ये शादीशुदा बंदे के परफॉर्मेंस में सबसे अच्छी आमिर की परफॉर्मेंस लगी, लेकिन आमिर ने दो कैच छोड़े। पाकिस्तान को फील्डिंग में और अपनी परफॉर्मेंस में खास तौर में थोड़ा सा अपने आप को बेटर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैच था, हमने बैटिंग पहले की और बहुत कॉन्फिडेंस से खेले और बॉलिंग में हमारा स्ट्रेंथ था और बॉलिंग आमिर वहाब ने खासकर बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये इंशाल्लाह न्यूजीलैंड के खिलाफ सेम टीम होनी चाहिए, अगर टॉस जीतते हैं तो हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। पाकिस्तान बोला खेला बैटिंग फर्स्ट ऑलवेज, जैसे इमरान खान ने बोला बैट फर्स्ट पुट स्कोर ऑन द बोर्ड, इंशाल्लाह वी विल ऑलवेज डिफेंड बिकॉज़ वी आर पाकिस्तान। माशाल्लाह, आज बहुत अच्छा खेलने, एडवाइस फ्रॉम इमरान खान ने भी दिया, बहुत अच्छा खेलने, माशाल्लाह द मैन इज प्राउड। पाकिस्तान जिंदाबाद, दे वर अमेजिंग एंड इट साउंड टू द फैंस एंड द सपोर्टर्स, वेल डन, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू। Key lesson learned: catchers wins matches. Take catchers and win all the matches. आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, जो इमाम और ओवर ने पार्टनरशिप बनाई थी वो बहुत अच्छी थी, वहाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। आपने आज काफी कैच छोड़े, उसके बावजूद अल्लाह पाक ने आपको जिताया, अल्लाह आप जी इसी तरह अब हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको वर्ल्ड कप में कामयाब करें, फील्डिंग पे प्लीज वर्क करें। जरूरत काम की जरूरत है और इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे। वी नीड टू इंप्रूव आवर रन रेट, रन रेट को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, पर इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है, पाकिस्तान आज मैं बहुत अच्छा था, शुक्रिया अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान जीत गया। हमारे मुल्क को कहाँ से कहाँ लिफ्ट अप कर देती है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता, अल्लाह ताला ऐसी खुशियां हमारे मुल्क को और दे। आज जैसे पाकिस्तानी टीम ने कमबैक किया, आज मजा आ गया, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन, सबने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है और हारिस वेल जैसे जबरदस्त बैटिंग किया है। आज माशा देखिए क्राउड कितना खुश है, पाकिस्तान ये मैच जीता और हमें उम्मीद है कि बाकी भी 3 मैच पाकिस्तान जीतेगे। आज तो पूरा 22 करोड़ मुल्क जो है हमारा सारा खुशियां मना रहा होगा, हर गांव में खुशियां मन रही होंगी और आप ये लंदन की स्ट्रीट पे देख लीजिए क्या हाल है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बहुत मजा आया जनाब मैच में, आज सही मजा आया, पाकिस्तान मैच जीता है, बहुत मजा आया, मैं सरफराज को सपोर्ट कर रहा था। This is for सरफराज जी, आज वाकई पाकिस्तान बहुत अच्छी स्पीड से खेला है और हमें बहुत इंजॉय किया हमने मैच और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट सारे मैचेस इसी स्पीड के साथ खेलता रहे। ट्रेमेंडस फिनोमिनल था, आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान अभी क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस रिसेंटली इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने आज सबको प्रूव रॉन्ग कर दिया है, आई थिंक अभी भी चांसेस हैं कि वो इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स में जाएंगे। इस
سے زیادہ خوشی نہیں ہو سکتی. بہت خوشی, بہت اچھا کھیلا, ایز اے ٹیم کھیلا, بہت اچھا کم بیک کیا. لاسٹ ویک ان کو بہت ٹف ٹائم ملا سوشل میڈیا پہ, لیکن آئی تھنک بہت اچھا انہوں نے کم بیک کیا ہے. بہت اچھا لگا میچ دیکھ کے, اور ان شاء اللہ ابھی اگلے میچز میں پاکستان جیتے گا اور ہم لوگ ان شاء اللہ یہ فائنل جیت کے جائیں گے. پاکستان کی جیت بہت بہت مبارک ہو, پاکستان زندہ باد, اور آپ پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہے. ہم تو یہاں کر رہے ہیں یو کے کے اندر, لیکن آپ پاکستان کے اندر پلیز سپورٹ کیجیے گا. پاکستان نے جو آج کم بیک کیا اتنا مزہ آیا, اندر پورے پاکستانی خوشی سے پاگل ہو گئے. آج پاکستان نے ہمارا دل توڑنے سے بچا دیا. تھینک یو پاکستان, اٹس اے کم بیک, اس کا مطلب ہے ٹرافی ہم پاکستان لے کے جائیں گے. پاکستان زندہ باد. یہاں پر جو ہے وہ میں کہوں گا کہ جشن منا رہے ہیں خوشی, اور اس میں آپ نے وہ بولے شائقین بھی دیکھے جو گھر کے پاکستان کی شکست پر بہت زیادہ رو رہے تھے, اب وہی شائقین جو ہے وہ خوشی سے پاکستان کا جشن منا رہے ہیں. انشاءاللہ.